बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8A ऑफ D3 अपडेटेड 7th एडिशन। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहाँ देखें, ये शेडेड रीजन जो है हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि इस शेप में कौन कौन से फिगर्स हैं। देखिए, यहाँ पर एक स्क्वायर बनी हुई है और उसके इनसाइड 4 सर्कल हैं। अगर मैं इस स्क्वायर के एरिया में से इन 4 सर्कल्स के एरिया को रिमूव कर दूँ, तो मेरे पास ये जो ब्लू में शेडेड रीजन है इसका एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख लेते हैं कि सबसे पहले कि हम यहाँ पर इनकी लेंथ ऑफ स्क्वायर लिख लेते हैं और ए रेडियस ऑफ द सर्कल लिखते हैं कि क्या गिवन है। देखें, लेंथ ऑफ स्क्वायर जो वो 56 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 56 सेंटीमीटर। उसके बाद जो रेडियस ऑफ सर्कल है उसको हमने फाइंड करना है। देखें, यहाँ पर डायरेक्टली नहीं मेंशन, तो ये अगर आप नोट करो तो ये हमारे पास डायमीटर ऑफ सर्कल आ रहा है। फर्स्ट सर्कल का डायमीटर है और ये सेकंड सर्कल का डायमीटर है। तो अगर मैं 56 को 2 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये डायमीटर ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर्स आ गए हैं एक सर्कल के। अब रेडियस लेना है, तो रेडियस में क्या करेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल जो होगा 28 को 2 पे डिवाइड करें तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो रेडियस ऑफ सर्कल है वो हमारे पास 14 सेंटीमीटर बन रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 14 सेंटीमीटर। अब आपने एरिया ऑफ शेडेड रीजन लेना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ फोर टाइम ऑफ एरिया ऑफ सर्कल्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आप सबको पता है कि लेंथ इंटू लेंथ। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 56 सेंटीमीटर और माइनस 4 टाइम एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 3.142 या 22/7 दोनों लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैं 22/7 लिख रहा हूँ और जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, वो है 14। तो 14 को 2 टाइम हम लिख लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये 56 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, 56 स्क्वेयर इक्वल टू 3136। तो 3136 माइनस, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 टाइम्स 2 इज 14। और यहाँ पर देखें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 22 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 14 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 28। तो देन 2 मल्टीप्लाई बाय 28, तो 2464 मेरे पास ये वैल्यू आ गई है सेंटीमीटर स्क्वेयर्स में। अब इसको डिफरेंस ले लेंगे तो जो डिफरेंस आएगा, तो ये वैल्यू आ गई है 672 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आंसर आ गया है हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। देखें, इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को हमने फाइंड करना है। उसी तरह हमने यहाँ देखना है कि कौन कौन सी शेप्स दी हुई हैं। एक लार्ज सेमी सर्कल, एक लार्ज सर्कल दिया हुआ है और उसके इन साइड्स जो हैं 4 स्मॉल सेमी सर्कल दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेंगे कि इनका रेडियस। पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल और फिर उसके बाद रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल के रेडियस को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रेडियस ऑफ लार्ज सर्कल देखें कितना दिया हुआ है, 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मैंने लिख लिया। अब हमारे पास आ जाते हैं स्मॉल सेमी सर्कल जो हैं दिए हुए हैं, इन सेमी सर्कल के रेडियस लिखते हैं। तो ये इनके डायमीटर दिए हुए हैं सेमी सर्कल के, तो रेडियस क्या होगा, तो रेडियस इनका हाफ होगा। तो ये रेडियस है स्मॉल सेमी सर्कल का, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.5
डिवाइडेड बाय टू, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.75 सेंटीमीटर। अब हमने इसका एरिया लेना है। देखो, अगर हम इस लार्ज सर्कल में से इन स्मॉल सेमी सर्कल को माइनस कर दें, रिमूव कर दें, तो ये मेरे पास ये वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। और इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को मैं यहाँ पर कैसे फाइंड करूँगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल होगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस 4 मल्टीप्लाई स्मॉल सेमी सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल जो है लार्ज सर्कल, उसके रेडियस को हम कैपिटल आर रख लेते हैं और इसके रेडियस को हम स्मॉल आर रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वेयर -4 टाइम पाई आर स्क्वेयर, सेमी सर्कल है आवर टू, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो पाई मेरे पास कॉमन आ गया, तो मेरे ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वेयर -2 आर स्क्वेयर। तो इसको हम अब आप सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई है 3.142, 22/7 भी लिख सकते हैं। रेडियस कितना दिया हुआ है 3.5 स्क्वेयर -2 टाइम ऑफ रेडियस, स्मॉल रेडियस है 1.75 स्क्वेयर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.5 स्क्वेयर -2 मल्टीप्लाई 1.75 स्क्वेयर इक्वल टू 66.125, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3.142 मल्टीप्लाई 6.125, आंसर आ जाएगा 19.24। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 19.24 और 3SF वैल्यू में ये आंसर बन जाएगा 19.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्वेश्चन 4, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पार्ट सी। सबसे पहले हमने पहले तमाम क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें फिगर बनी हुई है। तो सब नोट करें कि यहाँ पर एक लार्ज सेमी सर्कल बना हुआ है अपवर्ड और एक डाउनवर्ड स्मॉल से लार्ज सेमी सर्कल हमारे पास है, और इनका जो रेडियस है वो मैं नोट करता हूँ। तो ये रेडियस है मेरे पास स्मॉल से लार्ज सेमी सर्कल का, तो इसको मैं 14 सेंटीमीटर लिख लेता हूँ। उसके बाद आप नोट करें कि ये दो स्मॉल सेमी सर्कल भी मौजूद हैं, और इनके रेडियस को अगर मैंने फाइंड करना हो तो ये इसका डायमीटर दिया हुआ है टोटल, तो इसका जो रेडियस होगा ये इसका हाफ कर लें, तो ये 14 का हाफ कितना होता है 7, तो 7 सेंटीमीटर जो है स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस आ गया है, और इसको मैंने लिख दिया स्मॉल आर और इसको मैंने कैपिटल आर के इक्वल रख लिया है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। तो नोट करें कि तो यहाँ पर हमने इस एरिया ऑफ शेडेड रीजन को अगर हम नोट करें कि ये दो लार्ज सेमी सर्कल हैं, तो इन दो लार्ज सेमी सर्कल में से अगर इन दो स्मॉल सेमी सर्कल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो ये मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। दोबारा देखें कि ये एक लार्ज सेमी सर्कल है और ये स्मॉल है, तो इस शेडेड इस अपर शेडेड रीजन को लेने के लिए मुझे स्मॉल सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा, और इस बॉटम में जो लार्ज सेमी सर्कल है उसमें से जो दूसरा स्मॉल सेमी सर्कल है इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, रिमूव करूंगा, तो मेरे पास ये डाउन बॉटम वाला शेडेड रीजन आ जाएगा। तो इस तरह अगर आप नोट करो तो दो लार्ज सेमी सर्कल के एरिया को ऐड कर लेते हैं और उसमें से टू स्मॉल सेमी सर्कल के एरिया को माइनस कर दें, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइम ऑफ पाई आर स्क्वेयर लार्ज सेमी सर्कल का एरिया बनता है, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है यहाँ पे, और ये स्मॉल सेमी सर्कल एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, तो स्मॉल सेमी सर्कल के लिए सॉरी सेमी सर्कल के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो ये मेरे पास सेमी सर्कल का एरिया आ गया है, और स्मॉल में हमारे पास रेडियस स्मॉल आर था हमने रखा हुआ, तो वो हमने स्मॉल आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया 2 2 से। तो ये मेरे पास पाए का मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया है आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पर जो वैल्यू है वो मेरे पास आ रही है 3 22/7 भी लिख सकते हैं, 3.142 भी लिख लें। कैपिटल आर है 14 स्क्वायर -7 स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 × 196 -49, तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी 22/7 × 147, और इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 7 × 2 = 14, 7 × 1 = 21, तो 22 × 21, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 462 cm², ये आंसर आ गया है। क्वेश्चन 4 पार्ट D, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन सी शेप्स हैं। एक आ रहा है लार्ज सेमी सर्कल और एक है स्मॉल सेमी सर्कल, तो सबसे पहले हम इनके रेडियस लिख लेते हैं। यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 48 cm। अब हम रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, इसका हाफ ले लेते हैं, तो ये लार्ज सेमी सर्कल का रेडियस आ जाएगा, तो यहाँ लिख लेते हैं 48/2, तो 24 cm इसका रेडियस आ गया है। इसी तरह स्मॉल सेमी सर्कल को अगर आप नोट करें, तो ये स्मॉल सेमी सर्कल है हमारे पास, और इस स्मॉल सेमी सर्कल का ये डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर को अगर हाफ ले लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ बनेगी, तो ये मेरे पास आ गया है 14/2, तो इसकी 47 cm रेडियस ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल आ गया है। अब आप नोट करें कि यहाँ पर हमारे पास एक रेक्टेंगल भी बन रही है, तो ये हमारे पास नो रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की जो लेंथ और वेथ है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या आ रही है इसमें, वो बनेगी जो डायमीटर दिया हुआ है, ये देखिए 48 cm स्मॉल सेमी सर्कल का यही लेंथ है, तो यहाँ पर 48 cm हमने लेंथ लिख ली है। इसी तरह यहाँ पर विड्थ जो है रेक्टेंगल की क्या आ जाएगी, हमारे पास रेक्टेंगल की विड्थ आ जाएगी ये जो स्मॉल सेमी सर्कल की लेंथ दी हुई है, ये इसकी विड्थ है। अब आप के एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल आ रहा है, के एरिया ऑफ स्मॉल लार्ज स्मॉल सेमी सर्कल, उसको 2 टाइम कर दिया हमने, उसमें उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल उसमें ऐड कर लिया ये वाला, और उसमें से ये दोनों स्मॉल सेमी सर्कल रिमूव कर दिए। देखिए ये लार्ज रेक्टेंगल थी, ये ऐड हुई, ऊपर वाले दो स्मॉल सेमी सर्कल ऐड हो गए, और उसमें से माइनस कर देंगे ये दो स्मॉल सेमी सर्कल, ये तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। इसका सेमी सर्कल का एरिया लिख लेते हैं पाई आर स्क्वायर अवर 2, और ये 2 टाइम है, और इसी तरह एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ये हम लिख लेते हैं, और नेक्स्ट हम लिख लेंगे -2 टाइम एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर हम पाई आर स्क्वायर अवर 2 लिख लेंगे, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 22/7 × रेडियस कितना है इसका लार्ज सेमी सर्कल का, वो है 24, तो यहाँ पर अच्छा 3.142 हम यूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 24 × 24 प्लस लेंथ है 48, वेथ है मेरे पास 14, देखें ये लेंथ दी हुई है, ये विड्थ है, और इसी तरह 3.142 × स्मॉल सेमी सर्कल का रेडियस है 7, 7 × 7, 3.142 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 से, फिर दोबारा 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद हम इसमें ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1809.792। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 को 14 से, 48 मल्टीप्लाई बाय 14,
तो ये वैल्यू आ रही है 672 प्लस 672, माइनस कर देंगे 3.142 मल्टीप्लाई 7 7 49, तो ये वैल्यू आ गई 153.958। अब हम इसकी आंसर देखते हैं क्या बनता है। 2327, 2327.83। तो देखें इसको अगर अप्रोक्सीमेट हम 3SF तक करें तो ये बन जाएगी 23.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया है। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन 5। द रेडियस ऑफ सर्कुलर पॉन्ड इज 12 मीटर। ग्रास ग्रो अराउंड द पॉन्ड 2 मीटर अवे फ्रॉम इट्स एज। फाइंड इन टर्म्स ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फॉर्मिंग द आउटर एज ऑफ द ग्रास। यहाँ हम सबसे पहले एक पॉन्ड बना लेते हैं, सर्कुलर पॉन्ड 12 मीटर रेडियस का। तो ये सपोज हमारे पास 12 मीटर रेडियस का एक पॉन्ड है, तो ये रेडियस है 12 मीटर। अब इसके अराउंड जो है वो ग्रास 2 मीटर अवे ग्रास ग्रो कर रही है। तो यहाँ पर देखें कि हम ये एक इसके अराउंड जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, और जो ग्रास ग्रो कर रही है वो इसके अराउंड कितने मीटर तक कर रही है, 2 मीटर तक कर रही है। ये सपोज ग्रास इसमें ग्रो हुई हुई है इसके अराउंड, और ये जो इसकी आउटर लेंथ है वो है 2 मीटर। तो आप नोट करो कि आपने ये एक सर्कुलर पाथ बनेगा जिसके अराउंड यहाँ पर ग्रास ग्रो हो रही है। तो हमने आउटर एज ऑफ द ग्रास का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आउटर सर्कल का आपने सर्कमफेरेंस लेना है। तो यहाँ पर पार्ट ए में हम क्या करेंगे कि सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल आएगा पाए 2 पाए आर के। यहाँ पर जो रेडियस है आउटर सर्कल का वो हम लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, उसकी वैल्यू देखें क्या बनेगी। वो यहाँ पर जो इनर सर्कल का रेडियस था 12 मीटर, उसमें 2 मीटर यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये आउटर सर्कल का रेडियस बन जाएगा। और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैपिटल आर से, और इसकी जो लेंथ बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। यहाँ पर हमने इसका सर्कमफेरेंस अब फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई पाई एज इट इज लिख लेंगे, क्योंकि हमने ये जो सर्कमफेरेंस लेना है फाइंड इन टर्म्स ऑफ पाई, तो पाई हम एज इट इज लिख लेते हैं। रेडियस हमारे पास 14 मीटर आ रहा है, तो 28 पाई जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पे। पार्ट बी में है द एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज ऑफ द ग्रास। यहाँ नोट करें कि ये हमारा पॉन्ड है और उसके आउटर एज पे जो ग्रास लगी हुई है उसका हमने एरिया, उस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है, क्योंकि इसने लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ द लैंड बिटवीन द पॉन्ड एंड द आउटर एज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने इस बिटवीन द पॉन्ड एंड आउटर एज के बिटवीन जो रीजन बनता है ये ग्रासी रीजन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा कि एरिया ऑफ दिस लैंड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ द लैंड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द आउटर एज माइनस एरिया ऑफ द सर्कुलर पॉन्ड। तो एरिया ऑफ द आउटर एज जो है वो उसका एरिया बनेगा पाई आर स्क्वेयर माइनस एरिया ऑफ द पॉन्ड है हमारे पास सर्कुलर है वो पाई आर स्मॉल आर स्क्वेयर, क्योंकि इसका रेडियस को हमने स्मॉल आर रखा हुआ है और आउटर एज के रेडियस को सर्कुलर रीजन के रेडियस को हमने कैपिटल आर रखा हुआ है। तो हम पाई एज इट इज लिखेंगे, और आर यहाँ पर है 14 स्क्वेयर माइनस, यहाँ आर की वैल्यू स्मॉल आर की 12 है, हम यहाँ 12 लिख लेते हैं 12 स्क्वेयर। तो ये हो गया 196 पाए माइनस 12 स्क्वेयर 144 पाए। तो
ये पाई जो हम कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 52 पाई। ये हमारा आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 6। जमाल डिसाइड टू पेंट दिस फिगर ऑन हिज ड्राइववे इन येलो एंड ब्लैक लाइंस। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन दैट विल पेंट। यहाँ पर नोट करें कि ये हमारे पास रीजन दिया हुआ है, इसको हमने येलो पेंट से पेंट करना है और इसके अराउंड ब्लैक लाइंस लगानी है। यहाँ पर ये देखें कि मैंने इसको फिगर को बना दिया है इस टाइप से, हमने इसको येलो से पेंट किया इनसाइड और ब्लैक लाइंस इसके अराउंड जो है हमने ड्रॉ कर दी है। अब हमने इसका एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन जो है हमने फाइंड करना है। यहाँ पर देखें कि ये जो पेंट का रीजन बनता है वो एक रेक्टेंगुलर रीजन है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बन रहा है। तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो हमारा एरिया ऑफ शेडेड रीजन दैट विल पेंट फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहाँ पर नोट करें कि ये लेंथ दी हुई है 5 और ये विड्थ है 4। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 20 हो जाएगी ये वैल्यू हमारे पास। और हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वेयर, तो सेमी हाफ होता है डिवाइडेड बाय 2, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है, पाई की वैल्यू हम 3.142 या 22/7 ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ 3.142 लिया है। रेडियस जो है यहाँ पर नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस जो है इस 4 मीटर का हाफ होगा और 4 मीटर क्योंकि डायमीटर है तो इसका हाफ क्या होता है 2 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रेडियस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइडेड बाय 2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई है 6.284 और यहाँ प्लस है तो ये वैल्यू हो जाएगी 26.284 मीटर स्क्वेयर। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है टोटल लेंथ दैट ही विल पेंट विद ब्लैक लाइंस। देखें ये ब्लैक लाइन से पेंट हुआ हुआ है, एक सर्कल टोटल सर्कल पेंट हुआ है ब्लैक लाइन से और एक ये 5 मीटर लेंथ और 4 मीटर लेंथ और ये 5 मीटर लेंथ पेंट हुई हुई है। तो इस टोटल लेंथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पर नोट करें कि जो टोटल लेंथ होगी वो इक्वल होगी लेंथ ऑफ सर्कल प्लस लेंथ ऑफ 5 प्लस 5 प्लस 4। लेंथ ऑफ सर्कल को हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल भी कहते हैं। तो ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है इसका फार्मूला आपको पता है 2 पाई आर है और ये जो लेंथ्स हैं ये 5 प्लस 4 प्लस 5 जो कि ब्लैक लाइंस में यहाँ पर इसके अराउंड लगी हुई थी उसकी लेंथ हमने ले ली है, ये बन गई है 14। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई की वैल्यू हम लेते हैं 3.142 और रेडियस हमारे पास गिवन है 2 मीटर, तो हम यहाँ 2 लिख लेते हैं प्लस 14। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 4 मल्टीप्लाई 3.142 प्लस 14 और 12.568 प्लस 14, तो ये वैल्यू आ गई है 26.568 मीटर लेंथ आ गई है। ये हमारा आंसर है। ये एक बार जहन में रखें, जो बुक में आंसर है एरिया का 26 आ रहा है, उसने 2SF अगर हम वैल्यू लें तो 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू फिगर में ये डिजिट जो है ये तो इसका नेबरिंग डिजिट 2 से 5 से छोटा है, तो इसका आंसर आ जाएगा और 26 ओनली। और इसी तरह यहाँ पर बुक में आंसर दिया हुआ है 30 मीटर जो कि रॉन्ग आंसर है 26.5, जो कि अगर हम 2SF में हम इस सिग्निफिकेंट फिगर में अगर हम इसको लिखें तो ये बनता है 27 मीटर और बुक में 30 मीटर आंसर है। तो यहाँ पर अगर हम इस 4 मीटर को ऐड करें तो ये 30 मीटर बन सकता है, लेकिन ये 4 मीटर डॉटेड में है, ये हमने अराउंड इसके कोई भी डॉटेड लाइन को कंसिडर नहीं करना, हमने सर्कल की लेंथ को लेना है और ये लेंथ लेनी है। तो ये हमारा आंसर 27 मीटर जो है हमारा करेक्ट आंसर है।